भारत तिब्बत सीमा के नजदीक बसा ये है रेणी गांव। लेकिन ये आम गांव नहीं बल्कि क्रांति का गांव है। 26 मार्च 1974 को इसी गांव से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। गांव की महिला मंगल दल की प्रमुख गौरा देवी के नेतृत्व में महिलाएं और बच्चे जंगल बचाने के लिए निकल पड़े। गौरा के मुताबिक जंगल ही उसका मायका था। उन्होंने लकड़हारों से कहा कि वो उनके पेड़ों को न काटें। लेकिन पेड़ काटने आए ठेकेदार जब गांव वालों को धमकाने लगे तो गौरा देवी और उनकी सहेलियां पेड़ों से चिपक गई और गौरा देवी का ये प्रयास बन गया दुनिया में अपनी तरह का अनोखा चिपको आंदोलन। साल 1974 में इसी छोटे और कच्चे मकान से गौरा देवी ने चिपको आंदोलन की शुरुआत की। उत्तराखंड अब अलग राज्य बन गया है और लगातार विकास की राह पर चढ़ रहा है। लेकिन सवाल यही है कि क्या आज एक नए चिपको आंदोलन की जरूरत है? उस वक्त गौरा देवी ने जंगल काटने वालों से कहा था, ये जंगल हमारा मायका है, इससे हमें जड़ी बूटी, सब्जी, फल और लकड़ी मिलती है। जंगल काटोगे तो बाढ़ आएगी, हमारे घर बह जाएंगे। उस वक्त गौरा के जज्बे के आगे जंगल के ठेकेदार तो भाग गए, लेकिन वक्त के साथ लोग गौरा की सोच को भुला गए और वही हुआ जिसका गौरा को डर था। आज गौरा का गांव रेणी खुद खतरे में है। यहाँ गांव में दरार पड़ रखा, नाली नहीं है, रास्ता नहीं है और उधर पूरे गांव को उधर से पूरा पानी से बह गया है। यह है गौरा देवी के इकलौते बेटे चंद्र सिंह और उनका परिवार। चंद्र सिंह तब सिर्फ 2.5 साल के थे जब उनके पिता गुजर गए। चंद्र सिंह को गर्व है कि उनकी माँ को आज भी दुनिया याद करती है, लेकिन इस बात का मलाल भी कि उनकी सोच को आगे बढ़ाने का जज्बा अब किसी में नहीं। हम अपने हक के लिए लड़े थे, उसमें जो है हमारा आधा जीवन और करते हैं, किसमें, इस जंगल से निकल रहे हैं, सब्जी से लेके जड़ी बूटी से लेते। हम लोग पहले दवाइयाँ कहाँ होते थे, वो कूट कट की ऐसे मतलब जड़ी बूटी से हम अपना कुछ दवाइयाँ खा लेते थे। गौरा देवी का परिवार आज मुश्किल से अपना पेट पाल रहा है। बड़ा पोता फौज में है और मंझला छोटी मोटी दुकानदारी से अपने दिन काट रहा है। एक से एक आते रहे घर पे, उनको चाय पिलाते रहे, नाश्ता खिलाते रहे, बस बाकी हम लोग ऐसे इन्हीं टाइम पे हमारा टाइम वैसे हो। ये देखकर आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि पेड़ों की खातिर खुद की जान देने पर आमादा गौरा के गाँव में आज पहाड़ खोद कर हजारों पेड़ काट दिए गए। और तो और क्रांति के इसी गांव में आज हरे भरे पेड़ों की जगह एक पावर प्लांट ने ले ली है। ये देखकर आश्चर्य होता है कि जिस मैदान पर चिपको आंदोलन की रूपरेखा तैयार हुई थी उसी मैदान पर आज एक जल विद्युत परियोजना है जिसकी भेंट हजारों पेड़ चढ़ चुके हैं। वो जंगल है जो जहाँ पर सामने जो दिखाई दे रहा है आपको बादल के नीचे से, इन्होंने काफी लोगों को जमीन भी लिए है। ये प्रोजेक्ट जो है कि विकास के लिए नहीं बल्कि रेणी गांव के विनाश के लिए बनाया गया है। ये इंसानी फितरत ही है कि आज गौरा देवी सिर्फ चंद कागजों में ही जिंदा है। गौरा की सोच और उनके जज्बे को अगर आने वाली पीढ़ी याद रखती तो शायद इस सवाल का जवाब जरूर मिल पाता कि पहाड़ पर आई आपदा के लिए जिम्मेदार कौन है। दीपक डोभाल, राज्यसभा टीवी।